हमारे सब्सक्राइबर हैं कामिनी कमल। कामिनी कमल ये पूछती हैं, उन्हें कई डाउट हुआ कि जैसे मैं कहता हूं कि जो जेमस्टोन्स काम करते हैं उसके तरीके बारे में मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं। संक्षेप में ये बताना चाहूंगा कि उदाहरण के तौर पे आपने पुखराज पहना हुआ है, रोसोफैग, तो पुखराज में जो केमिकल होता है वो होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्योंकि पुखराज को धरती के अंदर से पाया जाता है तो ड्यू टू टेक्टोनिक प्रेशर, जो धरती के ऊपर का भार है और अंदर जो हीट है उससे इन पत्थरों में रेडियोएक्टिव प्रॉपर्टी आ जाती है। इसलिए इसमें जो केमिकल्स हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड नेगेटिव आयन्स के रूप में इससे विकिरण होता रहता है, रेडिएट होता रहता है, जो कि हमारे शरीर में जो प्लाज्मा है, ब्लड प्लाज्मा है, उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उसका ऐसा इंटरेक्शन होकर हमको इसका फायदा मिलता रहता है। मतलब हमको 24 आवर्स एल्युमिनियम ऑक्साइड मिलता रहता है जो कि हमारा ब्रेन में काम करता है, बुद्धि प्रदान करता है। तो कामिनी कमल का ये सवाल था कि यदि हरदम रेडिएट करता रहेगा तो धीरे धीरे इसका पावर कम हो जाएगा। बहुत स्वाभाविक सवाल है लेकिन उत्तर थोड़ा टेढ़ा है। उत्तर टेढ़ा इसलिए है कि हम जो सोच रहे हैं कि ये पावर खत्म हो जाता है क्योंकि हम सोच रहे हैं कि जैसे कोई बैटरी हुई है, चार्ज कर दिया गया है, बैटरी है, वो बैटरी धीरे धीरे यूज करते रहेंगे तो धीरे धीरे ये बैटरी पूरी डाउन हो जाएगी। इसी का फायदा उठाते हुए ये जो भ्रमजाल फैलाया गया है चारों तरफ कि जेमस्टोन्स एक्सपायर हो जाते हैं 2 साल बाद, 2.5 साल बाद, 3 साल बाद, सबके अपने अपने थ्योरीज हैं, तो ये एक्सपायर हो जाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, नया खरीदना पड़ेगा। नया खरीदने के लिए क्या करेंगे आप, दुकानदार को ढूंढेंगे, जहाँ से खरीदे तो हो सकता है वहीं जाएं, कहें कि ये बहुत पुराना हो चुका है, इसको हमको नया खरीदना है अभी क्योंकि एक्सपायर हो गया है, वो आपसे आधे कीमत में, उससे कम कीमत में आपसे ले लेगा, फिर आपको ये जेमस्टोन बेच देगा, तो उसका तो रोजगार हो गया, आप भी खुश हो गए, नया मिल गया। आप ही के जो जेमस्टोन को दिए हुए होंगे उसको फिर पॉलिश करके, साफ सफाई करके, और फिर आपको भाई को बेच देंगे, आपके पड़ोसी को बेच देंगे, और किसी को बेच देंगे, फिर वो पहनेगा। यदि एक्सपायर्ड हो चुका था तो उसको दोबारा कैसे बिक्री हुई और दूसरे बंदे पे कैसे काम कर रहा है ये, तो ये तो एक भ्रमजाल है, ये जालसाजी है, कोई एक्सपायर होता नहीं है। देखिए समझाता हूँ, मैं जो नेगेटिव आयंस की बात करता हूँ, मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जैसे आपका एक, मानिए एक एटम की बात करते हैं, समझाने के लिए बात कर रहा हूँ मैं, जैसे आपका एक एटम है, ये एटम, एटम को मानिए, ये एटम है, एटम है ये, ठीक है, इसके अंदर में ही आपका ये पॉजिट्रॉन हो गया, ये पॉजिट्रॉन है, और उसके चारों तरफ जो आपको जो घूम रहा है, ये जो घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये नेगेटिव चार्ज का होता है। तो पॉजिटिव पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इसके हिसाब से एटम बनता है। इसमें ज़्यादा साइंटिफिक तरीके से नहीं समझा के एक सहज भाव से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको मैं। तो इसमें आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को किसी ने देखा नहीं है आज तक, नेकेड आई से दिखाई नहीं पड़ता है, साइंटिस्ट भी देख नहीं पाए, एक गैस वर्क है या कुछ ऐसे सिस्टम से समझा गया है कि इलेक्ट्रॉन गति कर रही है, तो इलेक्ट्रॉन एक स्पीड में चारों तरफ घूमे जा रहा है, तो इतना स्पीड में घूम रहा है कि हमको दिखाई भी नहीं पड़ रहा है, कोशिश हो रही है कि इसको देख लें, इलेक्ट्रॉन को दिखाई नहीं पड़, दिखाई अभी तक नेकेड आई को पड़ता नहीं है। तो ये जो आपका इलेक्ट्रॉन्स है इसको अभी तक नेकेड आई या मशीन से देखना संभव नहीं हुआ है। ये जो इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा है इसको कौन घुमा रहा है भाई? यदि हम फिजिक्स की बातें करते हैं, एक्शन रिएक्शन की बातें करते हैं कि कोई चीज़ को धक्का मार दो तो वो अनंत काल तक चलता रहेगा। ये बॉल को आपने यदि यहाँ से धक्का मार दिया तो ये ऐसे चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, अनंत काल तक चलता रहेगा, लेकिन चल इसलिए नहीं पाता है क्योंकि माध्यकर्षण शक्ति इसको खींचती रहती है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसको पुल करती रहती है, इसलिए इसका गति धीरे धीरे स्लो हो जाता है और रुक जाता है ये। लेकिन यहां तो कोई रुकने वाला नहीं है। पहली बात तो है कि इलेक्ट्रॉन कौन घुमा रहा है, किसने चार्ज किया है इसको, किस प्रकार से घूमे जा रहा है, अनंत काल से घूम रहा है, अनंत काल तक तो घूमता रहेगा, ये हमें समझ में आती नहीं है, इसलिए हम लोग गॉड पार्टिकल्स चीजें बातें करते हैं। और जो घुमाने वाला है ईश्वर है, कहते हैं कण कण में है भगवान, तो ये घुमाने वाला भगवान ही होगा, कोई शक्ति है जिसको हम जानते नहीं है, नहीं तो बिना धक्का दिए हुए न्यूट्रॉन्स के थर्ड लॉ की बातें करते हैं या बाकी लॉ की बातें करते हैं, तो उसको कौन पुश कर रहा है? यदि पुश कर रहा है तो उसकी कुछ समय रुक जाना चाहिए,
तो पहले तो कोई पुश ही नहीं कर रहा, तो किस तरह चल रहा है? जब पृथ्वी जो धरती है पृथ्वी घूमे जा रही है सूर्य के चारों तरफ, कोई धक्का तो नहीं मार रहा उसको, एकदम प्रिसाइजली स्पीड में घूम रही है। जो स्पीड में घूम रही है उसके आधार पर ही हम ये चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण का समय निकालते हैं। तो ये जो घूमे जा रहा है ये कहीं बंद होता नहीं है। जब ये बंद ही नहीं होगा तो एक्सपायर कैसे होगा? शायद एक सहज भाव से मैं समझाने की कोशिश की आपसे कामिनी जी, और हमारे जितने भी प्रिय दर्शक देख रहे हैं, आप इन चक्रों मत पड़िएगा कि जेमस्टोन्स एक्सपायर हो जाती है। जेमस्टोन कभी एक्सपायर नहीं होती है, क्योंकि इस सिद्धांत पे जो समझाया मैंने आपको, जो इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव आयोन्स चल रहे हैं, धरती में कुछ भी एक्सपायर नहीं होता है। हमको लगता है कि रिश्ता है, घिस रहा है, हमारे शरीर भी एक्सपायर नहीं होता है, क्योंकि जिस पंचभूत से हमारा शरीर बना हुआ है ये एक्सपायर कभी हो ही नहीं सकता है। एनर्जी कैनॉट बी क्रिएटेड, कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड, इसका कन्वर्शन रूप बदल सकता है, कुछ होगा नहीं। जब मर जाएंगे तो जल जाएंगे, तो जला दिए जाएंगे, तो पंचभूत जो है पृथ्वी में चला जाएगा, तत्व में अर्थ एलिमेंट चला जाएगा, जल तत्व जल में चला जाएगा, अग्नि तत्व अग्नि में चला जाएगा, वायु तत्व वायु में चला जाएगा, आकाश तत्व आकाश तत्व में चला जाएगा, जहां चाहे तो वहीं चला जाएगा, लेकिन खत्म नहीं होगा। तो वैसे ही जेमस्टोन्स के पावर कभी खत्म नहीं होते। हाँ, होता यह है कि आपने जेमस्टोन नेचुरल पहन लिया है, आप एसिडिक एनवायरमेंट में काम करेंगे, आप फ्लश कमोड में हाथ घुमाएंगे, वहां एसिड डालेंगे, फ्यूम निकलेगा, तो केमिकल रिएक्शन हो सकते हैं। केमिकल रिएक्शन होकर आपका जो गुणधर्म है जेमस्टोन का वो खत्म हो सकता है, जेमस्टोन क्रैक हो सकते हैं, उसकी बात को मानता हूं। लेकिन यदि आप ठीक ठाक से पहन रहे हैं, रख रखाव कर रहे हैं उसको, और इस प्रकार के एसिड एसिड में हाथ नहीं डाल रहे हैं, तो आपका जेमस्टोन सालों साल पुरखों तक चलेगा, कभी एक्सपायर नहीं होता है। तो ये सवाल कामिनी जी ने पूछा, इसका उत्तर देकर मुझे लगता है कि हमारे हजारों और जो दर्शक हैं उनके मन से भी शंका निकल गई होगी। और भी दर्शक जो आप देख रहे हैं, आपके मन में कोई सवाल है एस्ट्रोलॉजी रुद्राक्ष जेमस्टोन संबंधी, तो मुझे आप जरूर भेजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, मित्र दोस्तों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो वीडियो हम बना रहे हैं ये लोगों को अंधविश्वास से बाहर निकालने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे इस प्रयास में आप योगदान दीजिए, सहायता कीजिए, आपका बहुत बहुत उपकार होगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।